आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपको डोमेन नेम, एक परफेक्ट डोमेन नेम आपको कैसे फाइंड करना है और उसको परचेज कैसे करना है। यहाँ पे मैंने कुछ साइट्स खोल के रखी हुई हैं, जिसमें से एक है साइट नेमबेस। ये साइट एक्चुअली में करती क्या है, ये आपके लिए वो सारे डोमेन नेम फाइंड करके बताती है जिस फील्ड से भी रिलेटेड आप चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये खुद सोचना होगा कि आपको डोमेन नेम किस टाइप का चाहिए है, और जो भी आपका ब्लॉग है, मान लीजिए आपका रिव्यू का ब्लॉग है, आपका लाइफ स्टाइल का ब्लॉग है, या फिर आपका न्यूज का ब्लॉग है, तो जिस टाइप का भी आपका ब्लॉग है उससे रिलेटेड हमको डोमेन नेम यहाँ पे फाइंड करना है। तो जैसे मैं अभी चाहता हूँ कि मैं कोई रिव्यू साइट यहाँ पे क्रिएट करूं, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा रिव्यू या रिव्यूज मैंने यहाँ पे सर्च किया और इससे रिलेटेड ये सारे डोमेन्स मुझे यहाँ पे फाइंड करके बताएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से डोमेन नेम्स अवेलेबल हैं, वो सारे ये मुझे यहाँ पे बताएगा कि ये डोमेन नेम अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं reviews.com is not available, मतलब ये जो है ये available नहीं है। बाकी इसमें और चीजें आप add करके, मान लीजिए reviews.id, reviewslove.com और भी आप यहाँ पे check कर सकते हैं, जैसे ये AI वाले हैं, यहाँ पे fun से related short video, फिर यहाँ पे name से related और SEO से related mix हैं, तो ये सारे आपके लिए show करेगा जो भी available होंगे। इसी type एक और ये भी एक tool है, जहाँ पे भी मैंने simple सा review search किया है और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रिव्यूज से रिलेटेड और कौन कौन से यहाँ पे है, जैसे reviews4.org, allreviews.info, तो यहाँ पे जो भी रिव्यूज से रिलेटेड इसको डोमेन नेम अवेलेबल थे वो सारे इसने मुझे शो कर दिए। और जैसे कि मैंने अपने लिए यहाँ पे चूज किया है कि मैंने यहाँ पे सोचा है कि मैं यहाँ पे avsreviews.com परचेस करूंगा। अब आपको यहाँ पे जब परचेस करना है तो उसके पहले आपको एक और काम करना है। जैसे ये मैंने डोमेन सोचा है कि ये डोमेन मुझे परचेस करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको कॉपी करके, ये एक साइट है, इसका आप नाम याद रख लीजिए, इसका नाम है NoEM, बाकी लिंक्स मैं वीडियो के नीचे दे दिया करता हूं, तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे हमने जो भी डोमेन नेम यहां पे सर्च किया था वो हमको यहां पे ऐड करना है, एंड देन आपको इसको चेक इट करना है। अब आप यहां पे क्या देखेंगे कि ये साइट हमको क्या चीज बताती है, पहले मैं आपको वो बता दिया करता हूं। ये साइट हमको ये चीज बताती है कि जो भी मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स हैं उसमें ये वाला नेम अवेलेबल है या नहीं है। कि अगर मैं मान लीजिए AVS रिव्यूज मैंने यहाँ पे परचेस किया, तो AVS रिव्यूज में आपके लिए फेसबुक में यूजर नेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फेसबुक में ये चीज अवेलेबल है, लेकिन आप देखेंगे इंस्टाग्राम में ये चीज अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप लिंक्डइन में भी देखेंगे तो ये अवेलेबल नहीं है। अगर आप क्वेरा में देखेंगे या पिंटरेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे सभी जगह पे ये वाला अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपकी ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड अगर इंस्टाग्राम के बगैर नहीं चल सकता है, या फिर इंस्टाग्राम में और कौन से अवेलेबल है, अगर आप वो चीज सर्च कर सकते हैं तो परफेक्ट है। लेकिन अगर आपका इंस्टाग्राम के बगैर चल सकता है या आप अपना नेम कुछ और वहां पे लेके आ सकते हैं तो फिर आप इसको परचेस कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर जो मेन दो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों अवेलेबल है, जो कि मुझे मेरे ब्लॉग के लिए इन दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ये दोनों मेरे लिए अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे एक और चीज है कि पिंटरेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पिंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे ये चीज सर्च कर सकते हैं कि आपके यूजर नेम सभी जगह अवेलेबल हैं या नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें यूजर नेम अवेलेबल है और इसको मैं परचेस कर लूंगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज यहाँ पे ठीक नहीं है और आपको इसकी जगह कोई और डोमेन नेम चाहिए है, तो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे AVS रिव्यूज की जगह मैं यहाँ पे testreviews.com, तो यहाँ पे हम सर्च कर लिया करते हैं कि इसमें कौन कौन से अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसमें फेसबुक अवेलेबल नहीं है, साथ में यहाँ पे इंस्टाग्राम भी नहीं है, ट्विटर भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे देखना है कि आपकी सारी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है। जैसे इसमें तो यूट्यूब भी अवेलेबल नहीं है। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं जो भी डोमेन्स खरीदता हूँ उसमें AVS मोस्टली रहा करता है। जैसे आपने मेरे प्रोडक्ट देखे होंगे, मेरी कंपनी का नाम AVS टेक है, साथ में जो मेरी कूपन साइट है उसका नाम है AVS कार्ट, तो यहाँ पे मैं मोस्टली AVS के साथ ही जाया करता हूँ, तो मैं इसको ही परचेस करूंगा। बाकी चीजें मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे इसको कैसे मैनेज करना है। फेसबुक हो गया और ट्विटर हो गया, ये दोनों चीजें मेरे लिए अवेलेबल हैं, तो इट्स इनफ, तो मैं इसी यूजर नेम के साथ जाऊंगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका यूजर नेम फाइनल हो गया, आपका डोमेन फाइनल हो गया, अब आपको मैं यहाँ पे तीन कंपनीज मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है, आपको इन तीनों में मैं डिफरेंस थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ। जैसे आप एक ये देख रहे हैं, ये है GoDaddy,
आईडी, सेकंड जो है वो है नेमचीप, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेमचीप है, और थर्ड जो है वो है होस्टिंगर। यहाँ पे इनमें थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस रहेगा, तो आपकी इच्छा है कि आप किससे परचेज करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च किया गोडेडी में, मैंने यहाँ पे सिंपल सा सर्च किया avsreviews.com, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 साल के लिए परचेज करते हैं तो यहाँ पे पड़ रहा है हमको 1504 या 1505 रुपया का, आप बोल सकते हैं तो 1504 रुपीज का पड़ रहा है, और 1 साल के लिए हम करते हैं तो कुछ 899 करीब का आपको पड़ता है, 849 का पड़ेगा, और टैक्स एक्स मिला के आप यहाँ पे देखेंगे तकरीबन 1000 का आपको डोमेन पड़ रहा है। इसके बाद आप अगर यही सेम चीज आप नेमचीप में देखते हैं, यहाँ पे भी मैंने सेम डोमेन सर्च किया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए पड़ रहा है कितने का, 670 का। तो इसको हम 2 साल के लिए करके देख लिया करते हैं, तो यहाँ पे 670 का आपको 1 साल के लिए पड़ रहा है, इसको हम 2 साल के लिए करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1368 रुपीज का आपको यहाँ पे पड़ रहा है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी रहेगी कि अगर हम यहाँ पे होस्टिंगर में परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको 602 का पड़ेगा, और टैक्सेस मिला के 640 का 1 साल के लिए पड़ेगा, और इसको हम अगर 2 साल के लिए कर देते हैं तो ये तकरीबन 1365 का पड़ेगा। तो अगर सबसे कम देखा जाए तो आपको होस्टिंगर में पड़ रहा है, होस्टिंगर में आप देख सकते हैं सबसे कम का पड़ रहा है, यहाँ पे 2-3 रुपए का ही अंतर है, तो ये दोनों चीजों में इतना ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा अंतर है कि अगर आप 1 साल के लिए जाते हैं तो आपको तकरीबन 1000 रुपए का ये पड़ता है, और अगर आप यहाँ पे 1 साल के लिए जाते हैं तो आपको 602 रुपया का पड़ता है, तो मतलब आप कुछ और टैक्स लगा के 614 रुपया का आपको पड़ जाता है। तो आपकी इच्छा है कि आप कहाँ से परचेस करना चाहते हैं, बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप होस्टिंगर या नेमचीप से ही परचेस करें, क्योंकि आपका डोमेन नेम वही रहेगा, आप चाहे किसी भी जगह परचेस कर लो, चाहे आप गोडेडी में परचेस करो या आप नेमचीप में करो या आप होस्टिंगर में, तो आप होस्टिंगर या नेमचीप में से कहीं भी परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 साल के लिए कम से कम परचेस कीजिए, और अगर कुछ पैसे का इशू है तो आप 1 साल के लिए भी परचेस कर सकते हैं। साथ ही मैंने एक और ब्लॉग की लिंक भी मैंने नीचे दी हुई है, वहां पे जाके आप चेक कर लेना कि और कौन कौन सी चीजें हैं जब आप डोमेन नेम परचेस करते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको देखनी है। तो अब बात आती है कि आपको डोमेन नेम परचेस कैसे करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये एक डोमेन नेम सिलेक्ट कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस डोमेन को 2 साल के लिए यहाँ पे परचेस करूँ, तो यहाँ पे मैं होस्टिंगर में ही जाया करता हूँ कि मैं होस्टिंगर से ही परचेस करूंगा, तो मेरा यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1365, तो ये मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करना है, अगर आपने कभी भी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो सिंपल सा आपको यहाँ पे नेम, अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के यहाँ पे अकाउंट एक नया क्रिएट कर लेना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट बना के रखा हुआ है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लॉग इन कर लिया करता हूँ। देन आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है कि आपको किस टाइप से यहाँ पे करना है, तो आप जिस टाइप से भी पे करना चाहते हैं, आप कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, पेपाल के थ्रू करना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं, या इंडिया बैंक ट्रांसफर के थ्रू करना चाहते हैं, जिस टाइप से भी आप करना चाहते हैं वो चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर दिया करता हूँ, एंड देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसने शायद यूएसडी में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है इसको, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यूएसडी में ही पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, तो नेम मैंने यहाँ पे एंटर किया, और यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, तो ये दोनों चीजें मैंने एंटर करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, एंड देन आपको यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करना है, और जो भी आपका यूपीआई की आईडी है या फिर आप यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल में ये चीज खोल लिया करता हूँ, जो भी मेरे पास गूगल पे वगैरह है वो मैं यहाँ पे ओपन कर लिया करता हूँ, और मैं यहाँ पे QR कोड स्कैन करने के बाद में यहाँ पे करूंगा। तो मैं यहाँ पे QR कोड स्कैन कर लिया करता हूँ, और अभी देखिए मैंने यहाँ पे QR कोड स्कैन किया है, और अभी आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे ये सारी चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अभी आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आ गया मैसेज योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, और यहां से मेरा पेमेंट डिडक्ट हो गया। अब मेरा पेमेंट डिडक्ट होने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, ये चीजें स्लो हो सकती हैं, आपको कहीं भी रिफ्रेश नहीं करना है, सिर्फ आपको बैठ के वेट करना है कि वो आपकी मर्चेंट वेबसाइट पे पहुंच जाए। तो जैसे ही आपका यहां पे सारी चीजें फिनिश होंगी, और आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आपको एक मैसेज आ जाता है थैंक यू और सेटअप योर ऑर्डर का आपको ऑप्शन आ रहा है,
तो यहाँ पे मैंने सेटअप योर ऑर्डर पे क्लिक किया। देन आपको यहाँ पे डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करूंगा। तो इस टाइप से मैंने सारी फील्ड से यहाँ पे फिल कर दी एंड देन मैंने यहाँ पे सेटअप पे क्लिक किया। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक मैसेज आता है, वी विल रजिस्टर avsreviews.com इन अ फ्यू मिनट। एंड देन आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल पे जाने के लिए बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डोमेन नेम यहाँ पे रजिस्टर हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी नेम सर्वर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपका डोमेन नेम था वो यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आज जो मैंने यहाँ पे डेट को परचेस किया है और साथ ही यहाँ पे जो भी डेट तक ये अवेलेबल है, एक्सपायर कब होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। और यहाँ पे सीक्रेट की वगैरह सारी आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो इस टाइप से आपको डोमेन नेम परचेस करना है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं कि आप चाहे तो होस्टिंगर से भी परचेस कर सकते हैं, नेमचीप से कर सकते हैं, गोडेडी, होस्टगेटर, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहां से भी आप डोमेन नेम परचेस करना चाहें। बाकी अगर थोड़ा सा आप प्राइस कम में अगर परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। एक नेमचीप हो गया और दूसरा आपका होस्टिंगर हो गया। अगर आप इनकेस कभी यहाँ पे होस्टिंग परचेस करते हैं, यहाँ पे चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं ब्लॉगर की, अगर मैं यही साइट वर्डप्रेस में बना रहा होता और मैं आपसे अगर होस्टिंग के लिए यहाँ पे बोलता तो आपके लिए ये चीज बहुत कम में पड़ जाया करती। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग तकरीबन 119 रुपीस पर मंथ में पड़ जाती है। और इससे कम में भी इनके कुछ प्लान्स हैं कि अगर आप सिंपल एक साइट बनाना चाहते हैं तो इससे 59 या 60 रुपीस में इनके कुछ प्लान्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी वैसे हमको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्लॉगर में क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए किसी भी होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है।